Hey guys, welcome back. Welcome to Guru Mantra Special Practice Series. Today's practice session will be on RNA. So let's start. Okay, before starting, here is a important information. आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो. That is Guru Mantra. For daily questions, practice, important notes, books and links, जो कि time to time मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ. यहाँ पर मैंने स्टेप्स भी मेंशन किए हुए हैं. अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, उसको इंस्टॉल कीजिए, वहाँ सर्च कीजिए गुरु मंत्रा एंड आफ्टरवर्ड्स चैनल को ज्वाइन करिए. लेट्स ग्लो एंड ग्रो टू. ओके, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं एंड इफ दे डोंट नो अबाउट द रूल्स और इंस्ट्रक्शंस, मैं उनको एक बार डिफाइन कर देती हूँ. टोटल लाइव प्रैक्टिस टेस्ट जो है, सेशन जो है, वो 20 मार्क्स का होगा. ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क. नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है 25% के हिसाब से, जिस तरीके से CSIR में होती है. अगर आप सही करते हैं तो 2 नंबर दीजिए, अदरवाइज 0.5 डिडक्ट की. अपने साथ एक पेन एंड नोटबुक रेडी रखिए, सो दैट आप अपने वहाँ पर आंसर्स भी लिख सकें एंड एट लास्ट आप मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकें. ईच क्वेश्चन इज टाइम बाउंड. हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा. उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है. प्लीज अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही है. आप एक सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर अगर आपको एक प्रैक्टिस सेशन मिल रहा है मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के साथ, तो आप उसमें कितना अच्छा तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं. लास्ट में अपने टोटल स्कोर को भी मेंशन कीजिएगा. रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन की मैंने एंड में दी है. अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आप वहाँ पर स्टार मार्क डाल सकते हैं एंड एट लास्ट वीडियो को पॉज करके या आफ्टरवर्ड्स बाद में भी कभी भी उसको देख सकते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, लेट्स स्टार्ट. ओके गाइस, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. इन RNA मॉलिक्यूल कैप्स, okay guys, moving to the next question. In contrast to eukaryotic mRNA, prokaryotic mRNA is okay, moving to the next question. Although each specific tRNA differs from the others in its sequence of nucleotides, all tRNA molecules contain a base paired stem that terminates in the sequence CCA at
Okay guys, moving to the next question. In tRNA molecule, B arm is named for the presence of the base. Hey guys, moving to the next question. Okay, mRNA is complementary to the nucleotide sequence of Okay, moving to the next question. Termination of the synthesis of RNA molecule is signaled by a sequence in the template strand of DNA molecule. A signal that is recognized by a terminator protein. Okay guys, moving to the next question. The mushroom poison amanitin is an inhibitor of Okay guys, moving to the next question. Ribothymidine is present in
Okay, guys, moving to the next question. The smallest RNA among the following is Okay, moving to the next question. Nucleotides required for the synthesis of nucleic acids can be obtained from Okay, please stop, guys. Here is the answer key and I am giving you 1 minute. Please match your answers and calculate your scores too. ओके प्लीज स्टॉप एवरीवन. आई होप आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा अपना स्कोर एंड देख लिया होगा कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं आप लोगों ने. प्लीज डू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स. सेशन को जरूर लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आगे भी मैं आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट व्यूज एंड प्रैक्टिस सेशंस लेकर वाली हूँ. आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं. कल इसी टाइम पर जो नेक्स्ट टॉपिक पर प्रैक्टिस क्विज होगा या प्रैक्टिस सेशन होगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होगा. यूनिट नंबर 1 बायोकेमिस्ट्री का पढ़ते हो CSIR में या नॉर्मली किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो एंजाइम्स. नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुमारो विल बी प्रिपेयर फॉर रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन की देख लेते. एवरीवन दीज आर द रेलिवेंट एक्सप्लेनेशंस और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है जो भी चीज़ मैंने रेड कलर में हाईलाइट की है मार्क अंडरलाइन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. काफ़ी बार उनसे क्वेश्चंस आते TRNA आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा एक फेवरेट है. अगर मैं CSIR एग्जाम के रिगार्डिंग बोलूँ इस बार भी क्वेश्चन आया था एंड हमेशा क्वेश्चन जो हैं वो आते रहते हैं TRNA के स्ट्रक्चर से रिलेवेंट राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी इनिशियल पॉइंट टिल द एंड. आपको TRNA के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. एवरी वन एक्सेप्टर आर्म वेरिएबल लूप एंडकोडोन लूप क्या है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डी लूप क्या है एवरीथिंग. काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इसमें से पूछे
दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर 5th, 6th, 7th, and 8th क्वेश्चन. आप चाहे तो पोज करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज ये वीडियोज यही रहने वाली है, हम दोबारा भी वीडियोज देख सकते हैं. 9th and 10th क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पर मेंशन. ओके गाइस, हमेशा की तरह एक छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूंगी. समटाइम्स द स्मॉलेस्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एंड्स अप बीइंग द बिगेस्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ. कम से कम चलना शुरू तो कीजिए, छोटे छोटे कदमों से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे. टिप टू, इफ यू मस्ट बट टेक द स्टेप, एट लीस्ट टेक द स्टेप. Keep learning, keep improving. पर प्रैक्टिस से हम परफेक्ट नहीं हो रहे हैं, प्रैक्टिस से हम अपनी इम्परफेक्शंस को दूर जरूर कर रहे हैं, है ना. इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए एंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट टाइमली आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे. थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल इसी समय नेक्स्ट एक और टॉपिक के साथ. प्लीज उसको प्रिपेयर कीजिए. थैंक यू सो मच वंस अगेन.